नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। साथियों, आज का अपना अध्ययन बिंदु है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो कृषि का उत्पादन विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर, या अपने जिले के स्तर पर, या अपने गांव के स्तर पर जो भी उत्पादन होता है, वो किन किन कारकों के कारकों के माध्यम से होता है और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, कृषि को प्रभावित करने वाले पांच प्रकार के कारक है: प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और तकनीकी कारक। ये पांचों कारक है जो कृषि को प्रभावित करते हैं और इन्हीं कारकों से प्रभावित होकर कृषि का प्रकार, स्वरूप और उत्पादन तय होता है, निर्धारित होता है। तो उनमें से अपन प्राकृतिक कारकों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो आर्थिक कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक कारक जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है और वो कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, किंतु प्राकृतिक कारकों के साथ साथ ही आर्थिक कारकों की भी भूमिका कम नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण कारक है जो कृषि के उत्पादन को, कृषि के प्रकार को, कृषि के स्वरूप को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये कारक कृषि को प्रभावित करके उसके प्रकार, स्वरूप और उसको उत्पादन को निर्धारित करते हैं। इन आर्थिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पहला कारक है पूंजी, कैपिटल। दूसरा कारक है बाजार, मार्केट। तीसरा कारक है उर्वरक, फर्टिलाइजर। चौथा कारक है सिंचाई, इरिगेशन। पांचवा कारक है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। और छठा कारक है श्रम, लेबर। ये छह कारक है जो आर्थिक कारक है। अब सबसे पहले अपन जानेंगे कि आर्थिक कारक क्या होते हैं। आर्थिक कारक का मतलब है अर्थ से जुटाई हुई सुविधाएं, अर्थ से अर्जित किए हुए साधन। अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी धन। धन के माध्यम से जो सुविधाएं जुटाते हैं, जो सुविधाएं जुटाते हैं, उन्हें हम आर्थिक कारक कहते हैं। और आर्थिक कारक के माध्यम से ये सुविधाएं जुटाते हैं और इनके माध्यम से किसान को का मुनाफा बढ़ता है और किसान और अधिक समृद्ध होता है। किसान और अधिक समृद्ध होगा तो अपनी कृषि में और अधिक इनपुट डालेगा, और अधिक सुविधाएं डालेगा, और अधिक सुविधाएं डालेगा तो उसका उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा किसान की संपन्नता बढ़ती जाएगी। उनका उसका जीवन का स्टैंडर्ड भी, जीवन का लेवल भी, जीवन संपन्न करने का लेवल भी बढ़ता जाएगा और उसके मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। तो ये है आर्थिक कारक। अब इसी आर्थिक कारक के आधार पर जैसा कि अपन दो प्रकार की कृषि करते हैं, कि एक होती है व्यापारिक कृषि और दूसरी होती है जीवन निर्वाह कृषि। तो साथ में अपन पूंजी इसे आर्थिक के आधार पर देशों को भी दो समूह बन जाते हैं। एक जो पूंजी संपन्न देश है वो ग्रुप है, जैसे यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, यूरोपियन देश है, ये सब पूंजी संपन्न देश है। तो वहां पर जो कृषि होती है वो व्यापारिक कृषि होती है। दूसरा अपन देखते हैं जो पूंजी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वो देश है दक्षिणी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, जिनके पास पूंजी की कमी है, जनसंख्या का भार अधिक है, तो वहां पर जो कृषि होती है वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो इसी इन्हीं आर्थिक कारक के आधार पर अपने कृषि को दो प्रकार में विभाजित कर लिया। एक व्यापारिक कृषि जो पूंजी संपन्न देश करते हैं, दूसरी जीवन निर्वाह कृषि जो आर्थिक रूप से कमजोर देश या दक्षिणी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश करते हैं। तो दो इस आर्थिक कारकों के आधार पर ही दो प्रकार की कृषि हो जाती है। तो उसी के आधार पर इनमें आर्थिक कारकों में सबसे पहले बात करेंगे पर पूंजी की। पूंजी जो कैपिटल है, पूंजी किसी भी कार्य के लिए, कृषि नहीं इसके अलावा भी किसी भी कार्य के लिए, चाहे आप अर्थ उद्योग धंधे लगाओ, चाहे आप दूसरा कार्य करें, सभी कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से कृषि कार्य करने के लिए भी पूंजी अति आवश्यक है। जिन किसानों के पास या जिन देशों के किसानों के पास पूंजी अधिक होती है, पूंजी के रूप में वो संपन्न होते हैं, तो वो अपने कृषि में अधिक सुविधाएं जुटाते हैं और कृषि में अधिक इनपुट डालते हैं, और कृषि में अधिक इनपुट डालेंगे, चाहे वो उर्वरक के रूप में डालेंगे, चाहे वो कीटनाशक के रूप में डालेंगे, चाहे सिंचाई के रूप में डालेंगे,
या कृषि यंत्रों के रूप में डालेंगे या ट्रांसपोर्ट के साधनों में डालेंगे तो उनका उत्पादन अधिक होगा, और अधिक उत्पादन होगा तो किसान को अधिक मुनाफा मिलेगा, और अधिक मुनाफा मिलेगा तो किसान और अधिक संपन्न होता जाएगा और वो अपने अगले टाइम पर वो अपनी कृषि में और अधिक इनपुट डालेगा, तो उसकी सुविधाएं बढ़ती जाती है और वो संपन्न होता जाता है। तो यह है पूंजी। पूंजी के बगैर अपन कृषि की कल्पना नहीं कर सकते। जिन देशों में, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका है, यूरोपियन देश है, ऑस्ट्रेलिया, ये पूंजी संपन्न देश है, तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो व्यापारिक कृषि की जाती है, और व्यापारिक कृषि में मुनाफा ज्यादा होता है और वो वहाँ के किसान और अधिक संपन्न होते जाते हैं। किंतु दूसरी ओर देखते हैं जो आर्थिक रूप से या पूंजी की दृष्टि से कमजोर देश है, वो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, वो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, वो अपनी कृषि में अधिक सुविधाएं नहीं डाल पाते, उनका उत्पादन कम होता है, उनको मुनाफा कम होता है, तो वो उनका मुनाफा कम होने के कारण उनका जीवन स्तर भी उनसे कमजोर रहता है। तो इस प्रकार से पूंजी अति आवश्यक है। पूंजी के बगैर कृषि के उत्पादन को बढ़ावा नहीं दे सकते, और उसी ये भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो कृषि के उत्पादन प्रकार और स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कारक है यहाँ साथी अपना बाजार, मार्केट। मार्केट भी जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है, बाजार के बगैर भी कृषि की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी उत्पादन कृषि का होगा किसान के पास, वो उत्पादन बाजार में आएगा, बाजार में बिकेगा और उसी का उसको मूल्य मिलेगा। या दूसरे रूप में अपन कह सकते हैं, जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती जाती है तो कृषि का स्वरूप बदलता जाता है। बाजार के निकट वाले क्षेत्रों में या बाजार के परिप्रिय एरिए में अधिक महत्व की फसलें या जो अधिक मुनाफा देती है फसलें, या जिनकी जिन फसलों की अधिक डिमांड होती है, अच्छा मूल्य मिलता है, उन फसलों को बोया जाता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो कम महत्व की फसलें बोई जाती है। ये बाजार और दूरी को वांछनीय मोदी ने भी अपने कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत में बहुत अच्छे से समझाया है। तो जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती जाती है, किसान को मुनाफा कम होता जाता है और कम महत्व की फसलों को होता है। तो बाजार भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। जहाँ बाजार नजदीक होता है, जिन फसलों के उत्पादन से बाजार की दूरी कम होती है, वहाँ पर उन फसलों को तुरंत बाजार में पहुँचा दिया जाता है, उनकी वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होती है, उनको किसान को अच्छा मूल्य उसका मिल जाता है, और वो अधिक उसको मुनाफा हो जाता है और वो अधिक संपन्न होता जाता है, और आगे से वो अपनी कृषि में और अधिक अच्छा इनपुट डालता जाता है, तो उससे वो संपन्नता उसकी बढ़ती जाती है। तो बाजार भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो कृषि के उत्पादन स्वरूप और उसके प्रकार को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा कारक है साथियों, तीसरा आर्थिक कारक है उर्वरक, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, किसी भी कृषि भूमि पर रेगुलर कृषि, नियमित रूप से कृषि करने पर वहाँ की मिट्टी में उपजाऊपन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उन पोषक तत्वों को बनाए वापस इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है, फर्टिलाइजर उस पर डालना पड़ता है, तो तभी वो वापस भूमि ग्रहण कर पाती है पोषक तत्वों को और उत्पादन दे पाती है। तो ये फर्टिलाइजर भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक खाद जो नेचुरल रूप से भेड़ बकरी या गाय भैंस इनसे गोबर के रूप में मिलती है, और जो कृत्रिम खाद है जो केमिकल के माध्यम से, रसायनों के माध्यम से बनाई जाती है, वो कृत्रिम खाद होती है। दोनों ही खादों का उपयोग अपन कृषि में करते हैं और उनके माध्यम से उस भूमि के, उस खेत की पोषकता बढ़ाते हैं, और पोषकता बढ़ने से वहाँ पर जो भी फसल का उत्पादन करते हैं उसका उत्पादन बढ़ता है। तो फर्टिलाइजर भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाता है और कृषि के प्रकार को भी तय करता है। जैसा कि भारत में हरित क्रांति 1869 में हरित क्रांति आई, और 1969 में हरित क्रांति आने के बाद में भारत के कुछ राज्यों में जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन्होंने उर्वरकों का अधिक उपयोग किया, तो जिन फसलों में उर्वरकों का अधिक उपयोग किया उन फसलों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया। तो ये उर्वरक, और जहाँ उर्वरकों का उपयोग कम होता है वहाँ उत्पादन कम होता है, और जहाँ उर्वरकों का उपयोग अधिक होता है वहाँ उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को अधिक मुनाफा मिलेगा और किसान अधिक संपन्न होता जाएगा, और किसान अधिक संपन्न होगा तो उसका खुद का जीवन स्तर भी बढ़ेगा और वो अपने अधिक मुनाफे को अपने कृषि में वापस से डाल पाता है, तो दिनों दिन वो संपन्न होता जाएगा। तो कृषक उर्वरक भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। चौथा कारक है सिंचाई। सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है, और बिगर सिंचाई के अपन कृषि की कल्पना नहीं कर सकते। सिंचाई
किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से कृषि फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। नेचुरल रूप से जो बारिश से जो पानी मिलता है उससे तो कृषि फसलों का उत्पादन होता ही होता है, किंतु जहाँ पानी की कमी होती है या बारिश कम होती है या रबी की फसल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो सिंचाई के माध्यम से फसलों का उत्पादन होता है। तो जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर कृषि का उत्पादन अधिक होता है, और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उन किसानों को कृषि का उत्पादन कम मिलता है, तो वो कम संपन्न होते हैं। सिंचाई चाहे नलकूप के माध्यम से हो, चाहे कुएं के माध्यम से हो, चाहे नहर के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, तो सिंचाई कृत्रिम रूप से कृषि फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जो किसान संपन्न है वो सिंचाई की सुविधा जुटा लेता है, जो किसान संपन्न नहीं है या कम आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वो सिंचाई की सुविधा नहीं जुटा पाता। जो जिसके पास सिंचाई की सुविधा होती है उनको कृषि फसलों का उत्पादन अधिक मिलता है और उसका मुनाफा भी अधिक होता है। जिन किसानों के पास या कृषकों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उनको कम मुनाफा, उनका उत्पादन भी कम होता है और उनको मुनाफा भी कम मिलता है। तो सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो कृषि के उत्पादन को प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। नेक्स्ट कारक है परिवहन। पांचवा आर्थिक कारक है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी बहुत जरूरी है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो कृषि के क्षेत्र में अति आवश्यक है। बिगर ट्रांसपोर्ट के कृषि के उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाना या मार्केट से कृषि के क्षेत्र में सुविधाओं को जुटाना ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही संभव है। जो जिन किसानों के पास ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है, जो कृषि यंत्र है, कृषि उपकरण है, कृषि मशीनें हैं, वो सब सुविधाएं हैं, तो उन किसानों का उत्पादन भी अधिक होता है और उनको मुनाफा अधिक होता है, वो और अधिक संपन्न होते जाते हैं, उनका जीवन स्तर भी अच्छा होता है। किंतु जिन किसानों के पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है या ट्रांसपोर्ट के साधनों की कमी है, जहाँ जिन क्षेत्रों में वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट के साधन उनको महंगे मिलते हैं या कमी होती है तो वो सुविधा नहीं जुटा पाता, तो वहाँ पर उत्पादन प्रभावित होता है या उनको समय पर वो मार्केट में फसल नहीं पहुँच पाती है तो उसको किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता, तो वहाँ उसको किसान को नुकसान हो जाता है। तो जिन किसानों के पास परिवहन की सुविधाएं अच्छी है उनको अधिक मुनाफा मिलता है, और जिन किसानों के पास परिवहन की सुविधाएं कमी होती है उनको मुनाफा कम मिलता है। तो ये परिवहन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो कृषि के उत्पादन प्रकार और स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट में अंतिम जो आर्थिक कारक है उसकी चर्चा करेंगे, वो है श्रम या लेबर। श्रम, लेबर, लेबर भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है, इसके बगैर भी कृषि के उत्पादन को बढ़ावा की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि वर्तमान में मशीनीकरण का समय है और अधिकतर कृषि कार्य मशीनों के माध्यम से होने लग गया, किंतु फिर भी कई फसलें ऐसी है जिनमें आज भी मानवीय श्रम के बगैर उनका उत्पादन नहीं कर सकते, और उन मानवीय श्रम के बगैर उन फसलों में कल्पना भी नहीं हो सकती। जैसे चावल की फसल है, उसको रोपते समय जब पानी में छोटी छोटी पौध रोपी जाती है तो उस समय मानव श्रम की आवश्यकता होती है, उसका उस मानव श्रम के माध्यम से ही उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से चाय की पत्ती तोड़नी है बागानों में, चाय के बागानों में, तो भी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। बिगर मानव श्रम के कुछ फसलें ऐसी है जो उनके उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जहाँ जिन क्षेत्रों में मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में है और सस्ता है वहाँ किसान को ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ये किंतु जिन क्षेत्रों में मानव श्रम कम मात्रा में है या महंगा है तो या अधिक मूल्य देना पड़ता है वहाँ किसान को मुनाफा कम हो जाता है। तो ये श्रम भी कुछ फसलों के लिए अति आवश्यक है। हालांकि वर्तमान में मशीनीकरण का टाइम है, जो कई फसलें ऐसी है जो मशीनों के माध्यम से आसानी से हो जाती है, किंतु कुछ फसलें अभी भी ऐसी है जिनमें मानव श्रम की अति आवश्यकता होती है, और वो मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में हो और सस्ता हो तभी किसान को मुनाफा मिलता है। ये श्रम की अति महत्ता अपन दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिणी एशिया के देशों में देखते हैं, जहाँ चाय और चावल दोनों फसल का उत्पादन होता है उनमें दोनों, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो उचित मात्रा में श्रम मिल जाता है, और अधिक श्रम मिलने के लेबर मिलने के कारण कम रेट में भी मिल जाता है, यानी सस्ता भी मिल जाता है। तो दोनों ही चीज वो दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया में मिल जाता है। तो इस श्रम के माध्यम से वो चावल की फसल और चाय की फसल का कार्य आसानी से उत्पादन का कार्य हो जाता है, और किसान वहाँ के जो भी किसान उसका कार्य उत्पादन करता है उसको अधिक मुनाफा मिल जाता है। तो ये छहों कारक है जो आर्थिक कारक है, और ये भी कृषि के उत्पादन प्रकार और
स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं आर्थिक कारकों का उपयोग करते हुए किसान अपनी कृषि के उत्पादन को बढ़ाता है और उत्पादन बढ़ता है तो उसका मुनाफा बढ़ता है और मुनाफा बढ़ता है तो वो अधिक संपन्न होता है। वो अधिक संपन्न होता है तो उसका जीवन स्तर, उसके परिवार का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है और साथ ही साथ वो अपने अधिक मुनाफे को आगे से वापस कृषि में इनपुट करता है, डालता है तो वो और अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता था दिनों दिनों उसकी संपन्नता बढ़ती जाती है। तो ये आर्थिक कारण, जैसा कि अपन पिछली क्लास में प्राकृतिक कारकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस क्लास में, आज की क्लास में हमने आर्थिक कारकों के बारे में चर्चा करी है और ये छों आर्थिक कारक जो कृषि को प्रभावित करते हैं और इनके बगैर भी कृषि की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी कृषि को निर्धारित करते हैं, ये कृषि को प्रभावित भी करते हैं और इनसे कृषि प्रभावित भी होती है। दोनों ही बात, इनके बगैर किसान अपने कृषि को बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि आज अर्थ का जमाना है, अर्थ का टाइम है और ये अर्थ से ही ये सुविधाएं जुड़ती है और अर्थ के माध्यम से ही, पूंजी के माध्यम से ही ये सुविधाएं जुड़कर अपने किसान अपने उत्पादन को बढ़ाता है। तो ये आज के जो अपन ने अध्ययन किया, आज का जो अध्ययन बिंदु था आर्थिक कारक, उसके बारे में अपन इन छों कारकों का अध्ययन किया है और उन्हीं के माध्यम से आर्थिक कारक को समझाया और आर्थिक कारक कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं उनके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।